मोगा में कांग्रेस बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करते दिखे। मोगा विधायक डॉक्टर हरजीत कमल ने मोदी की नीतियों के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन किया। वहीं युवाओं की बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि हमारे देश के युवा उद्योगों के बंद होने से घर बैठ गए हैं। देश के बारे में बात करते हुए देश का भविष्य भी बुरी तरह से समाप्त हो गया है। किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि मोदी की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि किसी का भी काम नहीं चल रहा है। हम सभी लोगों से आने वाले दिनों में मोदी सरकार के खिलाफ शामिल होने की अपील कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में अधिक से अधिक वोटों से निगम में जीत दिलाएं। कांग्रेस के प्रधान ने श्री सुनील जाखड़ जी उन्हों की दिशा निर्देश के थले अभी जी मोगे के ब्लॉक लैवल का उन्होंने ब्लॉक प्रधान विरोध पाठक जी उन्होंने रहनुमाई के थले सारी कांग्रेस पार्टी वालों धरना दिता और अभी ये मोदी सरकार के सेंचुरी के खिलाफ धरना दिता जो अब हिंदुस्तान के हालात बने पे है चाहे वह डेमोक्रेसी की गल करो घाण करता इतने लोग कोई जबर नहीं बर्दाश्त करना चाहते चाहे वह जम्मू कश्मीर के बच्चे धारा 370 की गल हो चाहे ताज़ा घटनाक्रम तुम्हें देखा महाराष्ट्र के किस तरह उन्होंने सरकार बनाई है पहला गोवा तो काम शुरू किया सारे देश में अज धौस की राजनीति तो धकेल रहे हैं चाहे जे तुम बच्चों की रोजगार की गल करो नवी नौकरियां तक की देनिया थी बड़िया बड़िया कंपनियां अब बंद हो रही जी साड़ी इंडस्ट्री है कि ट्रांसपोर्ट की वो सारी बंद हो।